9th of September, ये वो तारीख है जब टीवी के सबसे बड़े कंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस सीजन 13 का आगाज होने वाला है। अपने आगाज से पहले ही ये शो लगातार चर्चा में बना हुआ है और इन्हीं सबके बीच जानते हैं आप क्या कुछ हुआ है। वेल गाइस, बिग बॉस सीजन 13 से जुड़ा एक बड़ा खुलासा अपनी रिपोर्ट के जरिए हम करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, बीते 10 सालों से बॉलीवुड के दबंग सलमान खान बिग बॉस के हर सीजन को होस्ट करते आए हैं। बीते 10 सालों से सलमान खान बिग बॉस की जान बने हुए हैं। सलमान खान जब बिग बॉस में आते हैं, हर जगह तहलका मचा देते हैं और हर कोई जानना चाहता है कि आखिर सलमान खान इस पूरे सीजन के लिए पैसे कितने ले रहे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं, इस बार यानी बिग बॉस सीजन 13 को लेकर सलमान खान की फीस पर क्या अपडेट आया है। बता दें आपको, बिग बॉस सीजन 13 होस्ट करने के लिए हर वीकेंड 31 करोड़ रुपए सलमान खान ले रहे हैं, यानी इसके हिसाब से 15 हफ्तों के लिए 400 करोड़ रुपए सलमान खान लेंगे, ये खबर आई थी। लेकिन अब जो करंट बज है वो कुछ इस तरह से है कि बिग बॉस सीजन 13 करीब 105 दिन यानी 15 हफ्ते तक चलेगा। बीते सीजन में सलमान खान हर वीकेंड के 11 करोड़ रुपए लेते थे, यानी बीते सीजन 165 करोड़ रुपए की फीस उन्होंने ली थी। इस बार हर हफ्ते के 13 करोड़ रुपए लेंगे। हालांकि किसी भी तरह की रिपोर्ट जो है, किसी भी तरह के पैसों को लेकर जो खबर आई है वो कंफर्म नहीं है। कई वेबसाइट्स में दावा किया गया है कि सलमान खान 400 करोड़ रुपए ले रहे हैं फॉर द होल सीजन। कई वेबसाइट्स कह रही हैं 195 करोड़ रुपए लेंगे सलमान खान पूरे सीजन के लिए। अब किस पर यकीन किया जाए, किसे फेक बताया जाए, ये तो यकीनन हमारे लिए भी कह पाना मुश्किल है। लेकिन एक बात जिसे लेकर हम पूरी तरह से श्योर हैं वो ये है, बिग बॉस सीजन 13 बॉलीवुड के दबंग सलमान खान को डेफिनेटली मालामाल करने वाला है। नेक्स्ट 9 न्यूज से मेघा की रिपोर्ट।